हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज है हमारा फिर से एक नया इवेंट जो कि है स्पैरो गार्डन में। और अभी हम जस्ट निकले हैं अपने ऑफिस से, साथ में है जग्गू भाई। और यहाँ पे मतलब काफ़ी में लेट हो चुका है, हमें 3 बजे तक हमें पहुँचना था और 3 अभी यहीं पे बज चुका है। तो देखो क्या होता है, आप देख सकते हो हमें काफ़ी लेट हो चुका है और मुझे पता नहीं आज क्या होने वाला है। कुछ मतलब जो भी होगा कुछ धमाकेदार होगा। तो देखो, बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र। डिपो नंबर 1 है आई थिंक। यहाँ पे 4 डिपो हैं बड़े बड़े। तो ये यहाँ पूरी लकड़ियाँ मिलती हैं, देखो इतनी सारी जंगल की सारी लकड़ियाँ जो होती है ना, सब यहीं मिलेंगी तुम्हें, एक से एक लकड़ियाँ। और यहाँ से लकड़ियाँ ना मैंने बहुत बार देखा है, लोग निकालते भी हैं। ये देखो गेट, इसका पूरा जो जंगला दोनों का गेट है, ये एक स्कूल है। यहाँ पे ना बचपन में खेला करते थे जब हम छोटे छोटे से थे, तो इस स्कूल में खेला करते थे और यहाँ समोसे खाया करते, क्योंकि हम ना कोचिंग से आते थे यहीं से, तो कोचिंग के रास्ते यहाँ से आते थे और समोसे पैक करा के लाते थे और यहीं पे हम खाते थे। और ये है हल्द्वानी स्टोन क्रेसर, जो कि है तो लालगांव में लेकिन इसका नाम हल्द्वानी क्रेसर, आई डोंट नो हल्द्वानी क्यों रखा हुआ है। अब देख रहे हो ये स्टोन क्रेसर है हल्द्वानी स्टोन क्रेसर। और डिपो डिपो यहाँ पे एक और डिपो स्टार्ट हो गया, ये भी पूरा लकड़ी का डिपो है। यहाँ पे लकड़ी ही लकड़ियाँ, आप देख सकते हो जितने भी जंगल कट के आते हैं ना, वो सारी लकड़ियाँ यहीं पर आती हैं। तो यहाँ पे 4 डिपो हैं टोटल, मतलब बहुत बड़ा एरिया है यार। यहाँ पे हम बहुत बच्चों ने खेला करते थे मस्त तरीके से। और यहाँ पे ना एक वाटर पार्क भी है, जो कि हमारे पड़ोसी हैं उन्हीं का ही है। तो मतलब काफ़ी बड़ा वाटर पार्क है, शायद कुमाऊँ का सबसे बड़ा वाटर पार्क वही है। और मतलब कभी भी आना हो तो इस रोड में आप आ सकते हो, ITPP वाली रोड से बोला जाता है। अभी मैं दिखाऊँगा आगे आपको वो वाटर पार्क, दिखता तो नहीं है बट जितना भी दिखेगा मैं आपको दिखाऊँगा। और वो देखो ITPP शुरू हो गया, ये ITPP शुरू हो गया, आप देख सकते हो ये ITPP की वॉल है। यहाँ पे से ITPP जो है पूरी सबसे बड़ी बटालियन ITPP की आई थिंक, ये काफ़ी बढ़िया है यार हमारा लालपुर ना, हर चीज़ मिलेगा आपको यहाँ पे। वो वाटर पार्क भी है वहाँ पे, अभी दिखेगा नहीं, अभी दिखाऊंगा मतलब, अभी वाटर पार्क आने वाला है तो मैं दिखाता हूँ आपको आज यहाँ का वाटर पार्क। जो कि अभी शायद आजकल मौसम मतलब खुला है बंद है आजकल का, मुझे पता नहीं है बट दिखाऊंगा मैं आपको। ये ITPP का मेन गेट है, देखो और ये है वाटर पार्क, वो देखो आई थिंक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है क्योंकि शायद रोड से यहाँ से दिख नहीं रहा है, बट मैं आपको कभी और दिखाऊंगा आराम से अंदर जाके। तो कोई बात नहीं यार, थारा भाई जब तक है यहीं से रोज निकलता है, कभी भी दिखा देगा, डोंट वरी। तो ऐसे तो सभी ने देख रखा है वो, बट फिर भी जो बाहर वाले हैं उन्होंने नहीं देखा, हल्द्वानी वालों ने नहीं देखा, उनको पता भी नहीं कि यहाँ पे एक वाटर पार्क भी है जो बहुत अच्छा है। तो हल्द्वानी वालों कभी हो तो आना, तो यहाँ पे आइए, मतलब काफ़ी अच्छी है, मज़ा आ जाएगा मतलब। तो अभी हम हैं हल्दी चौड़ में, आप देख सकते हो ये हल्दी चौड़ मेन सिटी। और हालत देखो रोडों की, वो है पुलिस चौकी, वहाँ पर चौकी है। और ये हालत देखो यार रोड की, भाई साहब इतनी गंदी रोड है ना भाईगढ़, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी यार। क्या होगा भाई, प्रशासन शासन यार होश में हो यार, कुछ तो करो इस रोड के लिए यार, क्या हालत हो रही है रोडों की। और भाई से मंगाए थे समोसे और जग्गू भाई समोसे ले आए, अब हम खाएंगे समोसे, यहाँ पे चलेगी समोसा पार्टी। तो ये रहे हमारे समोसे और अभी हम खाने वाले हैं समोसे, हम आपको नहीं देंगे। तो पहले मैं समोसे खा लूँ, उसके बाद करता हूँ ब्लॉग शूट। आज ना मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ है, तो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जैसे मैंने जग्गू से समोसे मंगा लिए थे और जग्गू भाई समोसे ले आया। तो अभी हम खाते हैं समोसे, उसके बाद करते हैं फिर से ब्लॉग स्टार्ट, तब तक ले बाय। तो फाइनली मैं हल्द्वानी की मार्केट में, और बहुत तेज पानी प्यास लगी थी, आपको पता है हम बहुत प्यासे थे, इसलिए जग्गू भाई को भेजा पानी की बोतल लेने। और देखो जग्गू भाई आ गई, हाँ जग्गू भाई यार बिस्लेरी का नहीं है, चलो ले आओ ये ले आओ, ये ले आओ। कोई नहीं आज ये पी लेंगे। तो बिस्लेरी थी नहीं इनके पास, तो मैंने यही मंगा ली यार पार्ले वालों की, क्योंकि मुझे बिस्लेरी के अलावा ना औरों का पानी का टेस्ट थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। तो अब क्या करें, मजबूरी में तो कुछ भी पीना पड़ता है ना यार, फिर तो नॉर्मल पानी भी चल जाता है, बट प्यास लगी है तो सब चलेगा। गल्ला पूरा खाली पड़ा है, स्वागत नहीं जग्गू भाई बोल रहे उसका गल्ला पूरा खाली पड़ा, उसके बाद बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो पानी तो हम ले आए लेकिन हमारे पास उसके पास देने को पैसे नहीं है, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या, बता उसको देंगे। अभी 10 रुपये, 10 रुपये में और चाहिए। तो भाई देख रहे हो हल्द्वानी में अंकल के पास पैसे ही नहीं है वापस करने के लिए, जबकि हमने 100 का दिया था खाली। तो अब मैं देखता हूँ क्या पता मेरे पास हो, 50 या मिल गया। मैंने मेरे पास कुछ छुट्टे मिल गए तो बढ़िया हो गया, वरना अंकल के पास बेचारे के पास पैसे नहीं थे वापस करने के लिए। तो
उन्होंने कहा कि गूगल पे कर दो। आज देख सकते हो मार्केट में कितनी रौनक है, भीड़ भड़ा का नवरात्रि की वजह से सब लोग, मतलब काफ़ी भीड़ है यार। वरना इस टाइम पे ना हल्द्वानी की मार्केट पूरी सूनी रहती है। मैं करता हूँ अपने वेंडर को फ़ोन, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं लेट हो गया और अभी तक ये आया नहीं है, जबकि मैंने इससे बोला ना टाइम पर आ जाना। फहीम भाई हमारे हमेशा लेट लगा देते हैं। फहीम भाई कहाँ हो? आओ यार जल्दी, मैं रोड में खड़ा हूँ, काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे आज। ठीक ठीक आइए। तो हमें वैसे ही लेट हो रहा है और ये और जनाब लेट करवा रहे हैं। देखो क्या होता है यार, भगवान भरोसे, सब कुछ जो होगा भले के लिए होगा। बाकी जग्गू दादा है हमारे साथ तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे एक्सपर्ट खिलाड़ी। तो ये रहे हमारे फहीम भाई, लेटर चेक करना। फहीम भाई देखो फ़ोन ले लिया नया, वीडियो बनाने का बढ़िया आ रहे हो, स्मार्ट आ रहे हो। हमने तो ले लिया, हमें दिलवा दो, दिलवाएंगे दिलवाएंगे। ये लेटर चेक कर लो, लेटर। फाइनली हमने ले लिया सामान, वो हमारे वेंडर हैं जो कि हमें छोटे मोटे सामान जो भी हमारे होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। और अभी हमें कालूसाई मंदिर पे, तो आप देख सकते हो सामने कालूसाई मंदिर आ गया है और यहाँ से हमें जाना है ऊपर को कमलवा गंजा की तरफ, तो हम लेफ्ट मुड़ेंगे। यहाँ पे अभी हम बढ़ा रहे हैं पेट्रोल, तो भैया लोग डालने हमारी गाड़ी में तेल, क्योंकि रिजर्व लग चुकी है गाड़ी। काफ़ी टाइम से हम चला रहे हैं रिजर्व गाड़ी, क्योंकि यार हम टाइम नहीं हुआ, हमें भूल गया बीच में, तो इसलिए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कमलवा गंजा और सामने हमारे स्पैरो गार्डन, आप देख सकते हो ये स्पैरो गार्डन जो कि हेडल ऑफिस के यहाँ पे पड़ता है और ये इसका एंट्रेंस है। बहुत प्यारी पार्किंग भी यहाँ पे है, आप कभी आइए यहाँ पे। बहुत प्यारा सा ये रेस्टोरेंट है जो कि लॉन भी है इसमें और बहुत बड़ा है यार, आप अगर यहाँ पे आओ ना तो मस्त तरीके से झूला भी लगा हुआ है। देखो कितनी प्यारी ग्रीन ग्रास है, पता यार यहाँ का ना माहौल ही अलग है यार, मौसम भी बड़ा अच्छा रहता है। और जो ओनर है भाई साहब, वो तो भाई साहब एक तरफ है हमारे दोस्त धीरा भाई, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तो अभी हम चलते हैं स्पैरो गार्डन में और दिखाते हैं आपको यहाँ पर और क्या क्या आज होने वाला है। और एक बार लॉन में आपको दिखा दूँ कैसा है ये लॉन। ये रही इसकी मेन एंट्री जो कि है मेन कमलवा गंजा रोड, ये सीधे जाती है रामनगर को। और आप देख सकते हो यार एंट्री बहुत प्यारे से, यहाँ पे देखो स्पैरो के यहाँ पे इन्होंने नेस्ट लगाए हुए हैं। और ये देखो पूरी लोकेशन, अभी यहाँ पे फैमिली हट बन रही है, दो फैमिली हट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो भाई लोग अभी इसकी ना ओपनिंग नहीं हुई है। और बिना ओपनिंग के भी यहाँ पे इतनी पार्टियाँ हो चुकी हैं पूछो मत, हमने ही कितनी पार्टी कर दी है भाई साहब। ये है झूला जिसमें अक्सर आप मुझे देखते हो, तो यही वो झूला है। और ये साइकिल जिसमें नवल हमेशा मिलेगा तो ये पूरी लोकेशन है गाइस, बहुत ही प्यारी लोकेशन है यार, देखो मस्त एकदम। देख सकते हो ये हट यहाँ पे बन रही है जो कि ये कपल हट, अब आने वाले टाइम में यहाँ पे आप कपल्स भी जो है ना आराम से बिल्कुल सुकून जाके बैठ सकते हो। मस्त देखो अंकल जी हट बना रहे हैं, बहुत प्यारी ये तीन हट बन रही हैं दूर दूर में। लोकेशन देखो इसकी, बीच में गैप भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल और दो चेयर लगने वाली हैं। और ये पूरा लॉन आप देख सकते हो कितना प्यारा है यार गाइस, यहाँ पे ना मतलब फुल मस्ती हो सकती है यार, मतलब एक बड़ी पार्टी होती है ना, फैमिली फंक्शन हो गया या फिर आपको कपल है तो आप बिल्कुल मस्त तरीके से यहाँ पे फोटो शूट कर सकते हो, रील्स बना सकते हो। जग्गू भाई हमारे मज़े ले रहे हैं, ये आते ही झूले में बैठ गए। देखो ये देखो कितनी प्यारी लोकेशन है, फोटोज देखो ना कितनी प्यारी आई यार यहाँ पे। अपना स्टैंड रेडी कर दिया है, आप देख सकते हैं मैं प्यारा सा वाइट कलर का पर्दा मैंने यूज़ किया हुआ है, जो कि एक ही वाइट कलर का पर्दा है। और उसके आगे जो ये स्टैंड ही है ना ट्राईपॉड, इसमें हम आज की रिंग लगाएंगे, क्योंकि इसकी छत जो है बहुत छोटी है इसलिए इसमें हमने लाइट पाइप से रिंग लगाएंगे, तो जो यहाँ पर लगने वाली है। और जग्गू भाई अभी काम कर रहे हैं, स्टार्ट हो गया और मैं भी अभी बनाता हूँ रिंग,
और उसके बाद दिखाता हूँ कि आज क्या यहाँ पे कुछ नया होने वाला है। फाइनली डेकोरेशन हो चुका है पूरा और अभी जग्गू भाई यहाँ पे ऊपर सीलिंग में लगा रहे बलून और मेरे चल रही मोमो पार्टी। तो आप देखें तो वेजिटेबल मोमोज हैं, इसलिए इसका पूरा कलर भी ग्रीन है, काफ़ी प्यारा देखो पता जाएगा साफ ग्रीन वेजिटेबल मोमोज ग्रीन है इसलिए क्योंकि मोमो वेज है, वेज मोमो है। तो डेकोरेशन हो चुका है पूरा और आप देख सकते हैं लाइट भी यहाँ पे जल चुकी है और काफ़ी अच्छा, मतलब जो डेकोरेशन हुआ है इस बार मतलब काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पे। कह सकते हो कि यहाँ का फर्स्ट डेकोरेशन है जो कुछ अलग हुआ है, क्योंकि हर बार रिंग बनाते हैं, इस बार हमने बहुत कुछ नया किया हुआ है तो दिखाते हैं आपको कुछ यहाँ पे नया। ये देखिए तो आज हमने अपनी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा की हैं, क्योंकि इसमें रिंग नहीं लगी हुई है, आपको रिंग बनी हुई दिख रही है लेकिन रिंग है नहीं, ये नॉर्मल पाइप से हमने रिंग बनाई हुई है जो कि हम पहले बनाया करते थे जब हमारे पास रिंग नहीं हुआ करती थी जब हमने स्टार्टअप किए स्टार्ट किया था। तो आप देख सकते हैं इसमें व्हाइट कलर का पर्दा लगा हुआ है और हमने नियॉन बैनर लगा रखा है जो कि आप देख सकते हो, ये नियॉन बैनर अब ये जलेगा और डिस्को लाइट भी लगाई है। और आप देख सकते हो सबसे बेस्ट इसमें क्या है कि हमने नाम लिखा हुआ है, जो सिल्वर फॉइल हमारी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी की है आप देख सकते हो। बाकी आपको कैसा लगा है वर्क आप बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। ये हूँ मैं आरडी इवेंट वाला, प्लीज़ गाइस फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा डेकोरेशन सबके पास पहुँच सके, जिनको नीड है ना डेकोरेशन करवाने की। तो बहुत लोग होते हैं जिनका बजट नहीं होता है और उनको कम बजट में काम कराना होता है तो वो भी हम करके देते हैं। और अगर आपको कोई हल्द्वानी में कोई भी प्रॉपर्टी में अगर आपको बर्थडे करवाना है या कोई भी पार्टी करानी है तो वो भी हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास 50 से ज़्यादा रेस्टोरेंट रिजॉर्ट कैफ़े की लिस्ट है जो कि हमारे इवेंट पार्टनर है, तो आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी आते हैं अभी इसको मैं लाइट जला के आपको दिखाता हूँ, लाइट जला भाई, बाकी जग्गू भाई हमारे भी लाइट जलाएंगे फिर देखिएगा आप। मतलब लाइट जला के ना भाई जो फीलिंग सामने से आ रही है ना वो नेक्स्ट लेवल की यार, मतलब बहुत ही प्यारा यार ऑसम हो रहा है यार, क्योंकि देखो कैमरे में तो क्या होता है ना लाइट कॉन्ट्रास्ट जो होता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो सामने से हमारी आईज़ देख रही है नेचुरली वो मतलब काफ़ी प्यारा यार, मज़ा आ गया, मतलब A1 है यार, कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है डेकोरेशन में। बाकी अब देखें क्लाइंट को कैसा लगता है, पसंद आता है या क्या, लेकिन जहाँ तक है हमारा हमने बेस्ट किया अपना और ये पसंद आएगा, डेफिनेटली पसंद आएगा, देख सकते हो काफ़ी प्यारा लग रहा है। और टेबल भी हमने आज इसमें कुछ नई लगाई हुई अपनी वाली गोल्डन वाली जो आई थी हमारी नई, तो इसमें मार्बल लगी हुई है। ठीक है, मिलते हैं किसी नई लोकेशन में, नई जगह पे और किसी नए ब्लॉक पे, तब तक ले बाय बाय।